हरिद्वार में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए चल रहे धरने को 8 वर्ष हो गए हैं। धरना 9वें वर्ष में प्रवेश कर गया, लेकिन सिख समाज को अभी तक गुरुद्वारा बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई। इस कारण समाज में सरकार के खिलाफ भारी रोष व्यक्त किया है। प्रबंधन कमेटी ने धरना स्थल से भगत सिंह चौक तक सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला, साथ ही भूमि आवंटित किए जाने के लिए भी अपील की। इस अवसर पर संत बाबा जगजीत सिंह शास्त्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए सबसे पहले सिख समाज ने आवाज उठाई थी। वहां पर मंदिर निर्माण पूरा हो गया, लेकिन गुरुद्वारे के लिए भूमि आवंटित नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से जल्द भव्य गुरुद्वारा बनाने के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की है। समिति के वरिष्ठ हरजीत सिंह दुआ ने कहा कि वर्ष 1979 में हर की पौड़ी के पास स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे को सौंदर्यीकरण के लिए शासन ने लिया था, लेकिन इसके बाद गुरुद्वारा वापस नहीं किया गया, जिसकी लड़ाई दशकों से शांतिपूर्वक लड़ी जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आज गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी प्रबंधक कमेटी के द्वारा यहाँ पर 8वां रोष मार्च निकाला गया। हम हर साल रोष मार्च निकालते हैं सरकार के खिलाफ, और वैसे भी हमारा पत्राचार के द्वारा या हमारे मेंबरों द्वारा सरकार से मिला जाता है कि हम उनको बताएं कि हम किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु नानक देव जी के पावन स्थान हर की पौड़ी वाला स्थान, और यहाँ पर जो गुरु जो खुद गवर्नमेंट ने हमें ये स्थान दिया है उसके लिए बैठे हुए हैं। तो हम रोष मार्च की निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे, क्योंकि सरकार को कितनी बार तो हम कह चुके हैं, कितनी बार प्यार से वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन हमारी अल्पसंख्यक होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं होती। गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं तब हर बार वो लोग कोई ना कोई नया पेज वो निकाल के देते हैं, क्योंकि वो सुलझाना ही नहीं चाहते। हर बार कोई ना कोई नई तो समस्या हमारे सामने खड़ी कर देते हैं, तो जिसका हम निवारण करते हैं। जब वो निवारण करके हम फिर जाते हैं तो फिर कोई ना कोई समस्या उठा देते हैं।